हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी ने दस्तक दे दी है। अभी मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन जिस तरह से फिलहाल गर्मी का असर दिख रहा है, उससे आने वाले दिनों में गर्मी के प्रकोप का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही सिर दर्द, बेचैनी, मितली, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी तमाम परेशानियाँ भी होनी शुरू हो जाती है। जो लोग फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, उनको खास तौर पर इस मौसम में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप भी ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या ज़्यादा गर्मी झेल नहीं पाते, तो अभी से अपने खान पान में बदलाव करना शुरू कर दीजिए, ताकि गर्मी की परेशानियों से बचा जा सके। यहाँ जानिए गर्मियों में किस तरह का होना चाहिए खान पान। तो सबसे पहली बात आती है कि सुबह की शुरुआत पानी से करें। बगैर कुल्ला किए कम से कम 2 गिलास पानी घूट घूट करके पिए। सुबह के समय मुंह में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पेट की तमाम समस्याओं से राहत दिलाते हैं। बासी मुंह पानी पीने से ये सारे हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं और हमें स्वस्थ रक्षा करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अगर संभव हो तो पानी के साथ आधा चम्मच अजवाइन ज़रूर खाएं। गर्मियों में गैस और एसिडिटी की समस्या सामान्य है। अजवाइन आपको ऐसी परेशानियों से बचा कर रखेगी। पानी के साथ अजवाइन खाने के बाद करीब 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। और इसमें तीसरी बात आती है कि यदि चाय के शौकीन हैं तो इसकी जगह ग्रीन टी पीना शुरू करें। चाय से गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सुबह के समय 1 गिलास जूस लें। आप मौसमी, संतरा, अनार, तरबूज आदि का बदल बदल कर जूस पी सकते हैं। और इसमें चौथी बात आती है कि नाश्ते में स्प्राउट्स, दलिया, पोहा, उपमा और रोस्टेड ब्रेड वगैरह लें, लेकिन ब्राउन ब्रेड का सेवन करें। और इसमें पांचवी बात आती है कि घर से बाहर निकलते समय अपने साथ एक बोतल में सिकंजी लेकर जाएं। सिकंजी आपके पेट और दिमाग को ठंडक देगी, साथ ही शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करेगी। सिकंजी से शरीर में पानी की कमी पूरी होगी, लेकिन धूप से आने के तुरंत बाद इसे न पिए, कुछ देर रुककर ले। और इसमें छठी बात आती है कि खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, छाछ और सलाद लें। सलाद में खीरा, ककड़ी, प्याज, मूली, टमाटर वगैरह खाएं। इससे डिहाइड्रेशन से भी बचाव होगा और साथ ही लू भी नहीं लगेगी। इसमें सातवीं बात यह आती है कि अपने बैग में भुने चने और बिस्किट वगैरह भी रखें। लंच के 2 घंटे बाद आप इन्हें स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं। और इसमें आठवीं बात आती है कि रात का डिनर हल्का लें। सब्जी में लौकी, टिंडा, तोरई आदि पानीदार सब्जियां खाएं। चपाती कम खाएं, लेकिन सब्जी अच्छी तरह से लें। बाहर के खान पान से परहेज करें। खाने के 1 घंटे बाद 1 कप दूध ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, गर्मी की परेशानियों से बचना है तो अभी से अपनी डाइट में कर ले ये ज़रूरी बदलाव। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।